नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 14 मार्च 2020 जो है वो तारीख है। आज के संबंध में क्या सभी शिक्षा से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आई हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि अंक पत्र जो है उसके लिए घेरा कार्यालय। डीएलएड संयुक्त जो मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जो है उसका घेराव किया गया। प्रशिक्षुओं ने कहा है कि डीएलएड जो 2017 बैच है उसका परिणाम जो है काफ़ी पहले आ चुका है, लेकिन अब तक डाइटों में जो अंक सह प्रमाण पत्र हैं वो जो है वो नहीं पहुँच सके हैं। अफसरों का ये कहना है कि प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक होने से उसे तैयार कराया जा रहा है, जल्द ही डाइटों पर जो है वो भेज दिया जाएगा। अगले माह से जो है वो प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे और बाराबंकी के एक कॉलेज के अभ्यर्थी की फीस न जमा होने के कारण परीक्षा से वंचित कर दिया गया। इस पर रजिस्ट्रार ने आश्वस्त किया कि वे प्राचार्य से वार्ता करेंगे और यहाँ पर रजत सिंह भी जो है वो मौजूद थे। बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की, अंक पत्र के लिए घेरा कार्यालय। सेम वही जो है इसमें भी लिखा हुआ है, परंतु दूसरे न्यूज़पेपर में जो है ये प्रकाशित हुई है। बात करते हैं तीसरी न्यूज़ की, तो तीसरी न्यूज़ है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में नहीं चढ़ाए गए नंबर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरे सेमेस्टर के अंक ना चढ़ाए जाने से परेशान डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जो है वो प्रदर्शन किया। इसमें बताया जा रहा है कि डीएलएड 2018 के जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज पर प्रदर्शन किया। जीत नारायण सिंह यादव स्मारक पालिका महाविद्यालय बनपुरवा धनुपुर के प्रशिक्षुओं का कहना था कि वह द्वितीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक जो परीक्षा है उसमें उपस्थित थे, लेकिन कॉलेज ने अनुपस्थित जो है वो दिखा दिया, जिसके कारण वो द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गए और तृतीय सेमेस्टर का जो परीक्षा फॉर्म है वो जो है वो नहीं भर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सेकेंड सेमेस्टर जो है उसका नंबर जुड़वाते हुए तीसरे सेमेस्टर में सम्मिलित करवाने की जो है वो मांग की है। इसके अलावा सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि प्रशिक्षुओं को डाइट से संपर्क जो है वो करना चाहिए, फिर भी शिकायत मिलती है तो जांच जो है वो कराई जाएगी। और प्रदर्शन करने वालों में ये सभी लोग जो है वो मौजूद थे। बात करते हैं अगली न्यूज़ की कि ऑडियो की जो है वो जांच शुरू होगी, होगी एफआईआर। मैंने आपको बताया था कि यूपीटेट 2019 में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पास कराने के लिए जो रुपए है उसकी मांग जो है वो की जा रही है। तो उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2019 में अभ्यर्थियों को पास करवाने के नाम पर घूस मांगने वाले ऑडियो की फॉरेंसिक जांच जो है वो शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को अब जांच रिपोर्ट का जो है वो इंतजार है। परीक्षा संस्था रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और ये भी चर्चा है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए कथित लोग सक्रिय हो, साथ ही अभ्यर्थियों का एक वर्ग यूपीटेट का संशोधित परिणाम जारी कराने की भी मांग जो है वो कर रहा है। इसकी भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आगे लिखा हुआ है कि असल में होली के बाद व्हाट्सएप पर एक ऑडियो भी तेज़ी से वायरल जो है वो हुआ था, उसी के संबंध में ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, जिसमें यूपीटेट पास करवाने के नाम पर पैसे के लेन देन की बात हो रही थी। और इस प्रकरण से शिक्षक जो महकमा है उसमें जो है वो हड़कंप मच गया था और अफसरों के संज्ञान में आते ही जो है इसकी जाँच के निर्देश जो है वो दिए गए थे। और लास्ट में लिखा हुआ ये भी कि सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपीटेट का रिजल्ट घोषित हो चुका है और अब संशोधित परिणाम जो है वो नहीं आना है, आदेश जारी हो चुके हैं, फिर भी ऑडियो की जांच करा रहे हैं ताकि गड़बड़ी कराने की मंशा रखने वाले बेनकाब हों और उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सके। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, तो अगली भी सेम वही न्यूज़ है कि ऑडियो की जांच शुरू, रिपोर्ट मिलते ही होगी एफआईआर। और ऊपर भी यही न्यूज़ थी परंतु दूसरे जो न्यूज़पेपर है उसमें जो है वो प्रकाशित हुई थी, बाकी इसमें लिखा जो है वही सभी मैटर है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, तो कोरोना से यूपी में स्कूल कॉलेज 22 तक जो है वो बंद। कल मैंने जो है आपको न्यूज़ के माध्यम से बताया भी था। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, तो कोरोना से दूसरी मौत, यूपी में 22 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद और आईपीएल टला तो इकाना का मैच भी जो है वो रद्द हो जाएगा। बात करते हैं अगली और लास्ट न्यूज़ इस वीडियो की, कि हरियाणा पंजाब में 31 तक जो है वो शिक्षण संस्थान बंद। केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही अभी तक 22 तारीख तक जो है वो बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो जगह हैं जैसे कि दिल्ली है, केरल है, इसमें सिनेमाघर या जो शिक्षण संस्थान है उन्हें 31 तक जो है वो बंद रखने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। तो यूपी में यदि स्थिति जो है वो बिगड़ती है तो हो सकता है जो 22 तारीख है वो आगे भी जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो यही था हमारी आज की न्यूज़ में। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।